हाईएस्ट डिग्री इन एजुकेशन जनरली डॉक्टरेट डिग्री पीएचडी फिलोसफी एंड डॉक्टरेट कहा जाता है, डी लिट इससे भी आगे है लेकिन नॉर्मली वो नहीं की जाती। तो इंडिया के सर्वे ये बता रहे हैं कि जनरली सिर्फ 8-10% स्टूडेंट जितने अनरोल होते हैं उनमें से 8-10% जो कैंडिडेट्स हैं वो पीएचडी कंप्लीट कर पाते हैं। उनके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण फीस का हो सकता है, इसलिए फीस के बारे में और जो खर्चे आते हैं, तो फीस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस है वो समझेंगे सारी। नेक्स्ट एक बात और समझ लेनी चाहिए कि दो तरह की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट और प्राइवेट है। ये क्लियर है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो है सस्ती होगी, फीस कम होगी, लेकिन कितनी होगी और प्राइवेट में कितनी होगी इसके लिए प्राइवेट को समझ लेना चाहिए कि प्राइवेट के तीन रैंक किए जाते हैं, जो हाई रैंक, एवरेज रैंक और लो रैंक। तो मैं बार बार इसका रेफरेंस दूंगा, जो हाई रैंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी उसकी फीस सबसे ज्यादा होगी और लो रैंक यूनिवर्सिटी जो है उनकी फीस कम होगी, लेकिन गवर्नमेंट की उससे भी कम होगी। दूसरी बात समझ लेनी चाहिए कि इस वीडियो में किसकी बात कर रहा हूँ। जो मोड है, दो तरह के मोड है, एक रेगुलर मोड है पीएचडी का, एक डिस्टेंस का है। डिस्टेंस का क्रॉस कर दीजिए, रेगुलर के दो है, फुल टाइम दो तरह है, विद स्कॉलरशिप विदाउट स्कॉलरशिप। फुल टाइम विद स्कॉलरशिप जैसे आप फेलोशिप यूजीसी जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो आपको जो स्कॉलरशिप साथ में मिलती है, लेकिन आपको फुल टाइम यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस लगानी पड़ती है। दूसरी पार्ट टाइम पीएचडी है कि आपको कहीं भी अटेंडेंस नहीं लगानी पड़ती, आपको आपके लिए जो प्रोसीजर है कि आपने एनुअल प्रेजेंटेशन देनी है, सिनॉप्सिस प्रेजेंट करना है, रिपोर्ट सबमिट करवानी है, उसके लिए कभी कभी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। आप इसके साथ जॉब किसी भी कोई भी रेगुलर कॉलेज में स्कूल में कहीं भी जॉब कर सकते हो, ठीक। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ पार्ट टाइम पीएचडी की फीस की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने जो सर्वे किए हैं, इंटरनेट से डाटा कलेक्ट किया है और कुछ पीएचडी के कैंडिडेट्स की इंटरव्यू की है, उसके बेस पर जो फीस जो है वो क्लासिफाई की है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की प्राइवेट की। गवर्नमेंट की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज रखी है, आपके एरिया के हिसाब से, लेवल के हिसाब से ये रेंज वेरी हो सकती है। इवन गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी ये वेरी करती है, लो रैंक और हाई रैंक यूनिवर्सिटी जो पीछे बता के आया हूँ। अच्छा, फीस नोट करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। जो एनरोलमेंट फीस है ये रही, एनरोलमेंट वो एक पहला फॉर्म फिल करके देते हो और आपके गाइड जो सुपरवाइजर हैं वो कंसेंट दे देते हैं और आपके यूनिवर्सिटी में सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं कि आप एलिजिबल हो और आपके गाइड एलिजिबल हैं। ये अगर कार्रवाई पूरी हो जाती है उसके बाद एचओडी जो है यूनिवर्सिटी के आपके डिपार्टमेंट में, जिस स्ट्रीम में कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइकोलॉजी में कर रहे हो तो साइकोलॉजी के एचओडी जो है, तो ये सारे सिग्नेचर होने के बाद, आपके सिग्नेचर, गाइड के सिग्नेचर और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद असाइन कर देते हैं, तो आपकी एनरोलमेंट होगी। अभी कुछ भी और नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन क्या है कि आपने सिनॉप्सिस सबमिट करवा दिया, सिनॉप्सिस सबमिट करने के बाद पैनल ने उसको रिव्यू किया, इवेल्युएट किया, उसके बाद आपको सजेशन दिए। जब ये टाइम चलता रहता है 1-2-4 महीने, तो उसके बाद जो पैनल उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उस वक्त आपको फीस देनी पड़ती है। ये रजिस्ट्रेशन फीस हुई। माइग्रेशन फीस आपको पता है, अगर किसी और यूनिवर्सिटी में है, पीएचडी किसी और यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो माइग्रेशन फीस रेंज वो बताई गई है। जो फीस और है, प्री पीएचडी कोर्स ये करना पड़ता है, नॉर्मली वेरी कर रही है, इतनी फीस आप यहाँ से रीड कर सकते हो। और एनुअल सेमेस्टर फीस है, हाँ कई यूनिवर्सिटी में एनुअल की फीस है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसमें एनुअल फीस ली जाती है, ठीक। और सेमेस्टर फीस जो ली जाती है मोस्टली प्राइवेट में ली जाती है, इट मीन्स तो उसकी डबल हो जाती है, तो यहाँ पर दैट इज वाई वेरी कर रही है ज्यादा। पर 3,000 से 5,000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एक साल की फीस है एनुअल, और 30,000 से 50,000 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। सेम और एनुअल प्रेजेंटेशन आपकी होती है, कई यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में रखी है, 5,000 जब प्रेजेंटेशन देते हो तब ये फीस लेते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम फीस, अगर आप पीएचडी टाइमली, आपको जितने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार आपने को टाइम दिया गया था उस टाइमलाइन में आप जमा नहीं करवा सके, सबमिट नहीं करवा सकते,
तो आपको एक साल की एक्सटेंशन मिलती है, उसके लिए फीस लगती है। वो फर्स्ट टाइम कितनी है फीस देख सकते हो। अगर एक साल गुजर गया आप फिर भी सबमिट नहीं करवा सके तो आपकी एक्सटेंशन सेकंड है वो ज्यादा फीस हो जाती है, इवन वो भी गवर्नमेंट की 10,000 के करीब हो जाती है, ठीक। लेकिन प्राइवेट में 40,000 से 50,000। पीएचडी सबमिट करवाते हो तो गवर्नमेंट में 4,000 से 5,000 है, लेकिन 10,000 से 25,000 है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। थीसिस की इवैल्यूएशन की नॉर्मली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं फीस कोई होती और प्राइवेट में 25,000 से 50,000 है। ये सारी फीस टॉपिक मॉडिफिकेशन कहीं कहीं होती है कि टॉपिक मॉडिफाई होना है, बहुत रेयर ऐसे केसेस होते हैं। सिक्योरिटी फीस, प्रोग्रेस रिपोर्ट और फीस डिपॉजिट, ठीक। अगर आप लेट फीस ही लेट जमा करवाते हो तो इतना फाइन पड़ जाता है, ये नॉर्मल चीजें हैं। अब आपने क्या है, अगर आपको इजीली आपने समझना है ना, मैंने फीस को तीन भागों में डिवाइड किया है। एक वो फीस जो वन टाइम पे करनी होती है और दूसरी वो जो हर सेमिस्टर के बाद जो पे करनी होती है या एनुअली पे करनी होती है। तीसरी वो फीस है केस बेस्ड या सिचुएशन बेस्ड, वो आपकी डिले पर है, आप टाइमली काम करती हो तो ये सारी फीस आप बचा सकते हो, ये क्रॉस हो सकती है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आपकी फीस कितनी लगेगी। अगर मोटिवेटेड हो टाइम पर करोगे तो सिर्फ आपकी वन टाइम और ईच सेम वाली फीस लगेगी, वो मैं बताने लगा हूं। पर फर्स्ट वन टाइम पे जो करनी है फीस कौन कौन सी है, ये रही वन टाइम में आ रही है, पीछे डिस्कस हो गई है। एनरोलमेंट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्री पीएचडी कोर्स फीस, पीएचडी सबमिशन फीस और थीसिस एवेल्युएशन, ये एक बार सभी कैंडिडेट को देनी ही पड़नी है। लेकिन ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर सस्ती से सस्ती जो यूनिवर्सिटी है वो ये सारी फीस मिलाकर 18,000 बन रहे हैं और मैक्सिमम 45,000 बन रहे हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, ठीक। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 1,10,000 के करीब बन रहे हैं और लगभग 2,00,000 तक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हाई रैंक में बन रहे हैं। ये कंपल्सरी फीस है, यहाँ पर वेरिएशन आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितना फर्क है। सेकंड कैटेगरी मैंने बनाई है कि जो ईच सेम फीस, हर सेमिस्टर की फीस अगर इतने सेम लगते हैं, अगर इससे एक्सटेंशन लेते हो तो नेचुरली है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और खर्चा बढ़ जाता है, गवर्नमेंट में थोड़ा कम बढ़ता है। अगर टाइमली आप देते हो, ये फीस लगनी ही लगनी है, वो लगभग 3,000 से 5,000 फीस है सेमिस्टर की। कई बार ये एनुअल भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में होती है। और देख लीजिए एक जीरो और लग गई है पीछे, प्राइवेट में 30,000 से 50,000 है हर सेमिस्टर की फीस, उसको आप प्लस कर लो टोटल तो मिनिमम 24,000 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी आपका लगना ही है, ये जो टोटल जो सारे सेमिस्टर मिला के सारी पीएचडी के, ठीक। अगर टाइमली काम करते हो मैक्सिमम 40,000 है अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ईच सेम में जो आपने पीएचडी की फीस पे करनी है वो एक बिग डिफरेंस बना रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। अगर ये भी होता है कि नेक्स्ट यूजीसी की गाइडलाइंस दो सेमिस्टर कम कर देती है, जहां फीमेल के लिए कुछ रिलैक्सेशन होती है कि उनको एक्सटेंशन ज्यादा मिल जाती है, वो गाइडलाइन अलग से बताई जाएंगी, तो लेकिन ये डिफरेंस जो है वो बिग है। देखिए 24,000 से 40,000 तक यहाँ रह रहा है और 2,40,000 से लेकर 4,00,000 तक 10,000 एक्स्ट्रा लग रही है, ये डिफरेंस प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करवाते तो ये है एंट्रेंस टेस्ट फीस की है। ये एंट्रेंस टेस्ट को क्यों केस बेस रखा है कि जिन लोगों का यूजीसी नेट ऑलरेडी क्लियर है उनकी ये फीस नहीं लगेगी। एक्सटेंशन फर्स्ट टाइम अगर टाइमली जमा करवाते हो तो ये फीस नहीं लगेगी, लेकिन डिफरेंस बिग है 2,000 से 5,000, 30,000 से 40,000। एक्सटेंशन सेकेंड टाइम बढ़ जाती है, इवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 10,000 हो जाती है और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 40 से 50 बढ़ जाती है। अच्छा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर सुपरवाइजर आपका यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी बेटर यूनिवर्सिटी में चला जाता है, जो स्टेबिलिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टाफ की कम होती है, ये बिग प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है कि आपकी एक्सटेंशन भी बढ़ती है दूसरा नंबर, और दूसरी आपकी जो पीएचडी की प्रोग्रेस है उसमें बहुत रुकावट आती है, क्योंकि नेक्स्ट गाइड जो आता है वो जरूरी नहीं है आपके सिनॉप्सिस या जिस पर आप काम कर रहे हो उसी के इंटरेस्ट का हो या उसको एक्सेप्ट कर रहा हो, कई बार तो विरोध भी हो जाते हैं। अच्छा, माइग्रेशन फीस, ये डिपेंड करता है, ये अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो आप की माइग्रेशन लगेगी लगेगी। अब टोटल जो है केस बेस्ड आपकी कितनी लग सकती है, 16,000 से लेकर 22,000 तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है
और 85,000 से लेके 125,000 तक ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा फीस लग सकती है। अगर आप ढीले चलते हैं, टाइमली काम नहीं करते, तो इतना लॉस आपको होता है। एक और डाटा मैं आपको देता हूं, टाइमली सबमिशन 10% है इंडिया में। अगर 100 जने पीएचडी करते हैं तो उसमें से केवल 10 जने टाइमली सबमिट करवाते हैं। इट मींस 90% जो पीपल कैंडिडेट्स हैं उनको ये खर्चे पड़ते हैं, दैट इज वाई इनको डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। अगर आप 10% में हो तो आप ये जो आपके एक्सपेंसेस है वो बचा सकते हो। अब टोटल इसका देख लें कि एग्रीगेट सभी का जो वन टाइम पे फीस है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की है 18,000 से 45,000 और प्राइवेट की 110,000 से 195,000। और हर सेमेस्टर की फीस को अगर ऐड किया जाए तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो सस्ती गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है 24,000, इससे कम नहीं होगी, से 40,000 है अगर गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी है। और प्राइवेट की फीस जो है 2,40,000 से 4,00,000 तक, ये बिग डिफरेंस है, इसको नोट कर लेना चाहिए। जब आप पीएचडी की फीस पूछते हो तो जनरली ये ही बताई जाती है, ये वाली बात है ना, यहां पर ये बिग डिफरेंस बन रहा है। नेक्स्ट है टोटल एसेंशियल फीस कितनी बन रही है, इनको अगर ये है 42 से लेकर 85 तक बन रही है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, और 3,50,000 से लेकर 5,95,000 लगभग 6,00,000 के करीब टोटल एसेंशियल फीस आपको जो देनी ही पड़ेगी। टोटल ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है जो लेट सबमिशन करवाते हैं, लेट काम करते हैं 16 से 22 और 85 से 1,25,000। अब एग्रीगेट अगर आपको पी फीस पूछी जाती है तो इन सभी को सम करते हैं, लेकिन ये आपने अपनी मोटिवेशन, अपने एरिए, अपने प्रेफरेंस के, ये बात अलग से कर दूं कि साइंस स्ट्रीम की फीस इससे ज्यादा है, ये नॉर्मली सोशल साइंस के स्ट्रीम में जो पीएचडी करना चाहते हैं उनकी है। एग्रीगेटर कितना बढ़ गया, इट मीन्स गवर्नमेंट की सस्ती से सस्ती अगर यूनिवर्सिटी से करते हैं आपकी लगभग 60,000, यहाँ 58,000 लिखा हुआ है, इतनी फीस आपकी लगनी ही लगनी है जितने भी ईयर एनरोलमेंट से पीएचडी सबमिशन तक। और अगर गवर्नमेंट की थोड़ी सी ज्यादा फीस है तो 1,07,000 के करीब, इट मींस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हो तो आप लेस देन 1,00,000 में कर सकते हो। ठीक, अगर प्राइवेट में करते हो तो मिनिमम खर्चा आपका कितना बनता है, 4,35,000 ओके, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो 7,20,000 बनता है। और आप देख सकते हो अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का डिफरेंस क्या है, इसके अलावा और क्वालिटी का डिफरेंस भी है, जॉब के लिए एक्सेप्टेंस का डिफरेंस है, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो उसके जवाब दूंगा। तो ये खर्चा आप कंपेयर कर लो। इसके अलावा कई बार ये खर्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डाले जाते हैं कि हर साल 5,000 जब प्रेजेंटेशन देनी है, अगर प्रेजेंटेशन हर सेमेस्टर में है, 8 सेमेस्टर अगर है तो, है ना, अगर 6 सेमेस्टर है तो ये कम कर लो, ये 30,000 से 40,000 कई यूनिवर्सिटी में लगता है, सब में नहीं लगता। ये टोटल फीस होगी। इसके अलावा पीएचडी के और खर्चे क्या है आप जानना चाहोगे, सुपरवाइजर आपके कहाँ रहते हैं, यूनिवर्सिटी से उनका डिस्टेंस कितना है, ठीक, जहाँ वो उनका रेजिडेंस या उनके जॉब यहाँ करते हैं, तो उनसे डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि सुपरवाइजर को कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट नहीं कोई यूनिवर्सिटी या कोई देता, तो दैट इज वाई ये आपका फर्ज है कि जब भी आपका एनुअल प्रेजेंटेशन कुछ भी होता है, सिनॉप्सिस सबमिट होता है, उसके पैनल होता है, तो आपके सुपरवाइजर को आपने लेके जाना है नेचुरली, किसी भी तरह से वो आपको खर्चा पड़ेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वो अगर 10 से 20 बार जाना पड़ता है, क्योंकि जो विजिट मैंने लिखी है आपकी यूनिवर्सिटी में 10 से 20 बार कम से कम इतनी विजिट्स आपकी 4-5 साल में होगी, जितना भी ड्यूरेशन है, 4-5 को पक्का मत समझिए, उसके लिए डिफरेंट वीडियो होगा, तो इतनी ही सुपरवाइजर की होगी। इवन अब तो कई यूनिवर्सिटी में 4 से 5 बार अकेले सुपरवाइजर को जाना पड़ता है, जो स्टेप्स ऐसे आ गए हैं वहां कैंडिडेट को नहीं जाना पड़ता, तो वो नेचुरली है कि आप टॉलरेट करोगे वो खर्चा। डाटा कलेक्शन इज बिग, कि आपने स्कैटर्ड डाटा है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से दूर दूर डाटा है कलेक्ट कर रहे हैं तो भी जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जॉब से आपको छुट्टी करनी पड़ेगी अगर जॉब कर रहे हो आप, ठीक,
एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मिनिमम 2 से 3 मंथ की आपको छुट्टियां करनी पड़ेगी, वो मैं खर्चे में ही गिन रहा हूँ। ठीक, अच्छा, आपको कई बार ऑपरेटर्स परचेज करने पड़ते हैं, लैपटॉप लेना पड़ता है पीएचडी के लिए, प्रिंटर लेना पड़ता है, कोई और रिलेटेड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड आपको लेना पड़ता है, वो भी हो सकता है। विजिट्स आपकी इसमें डाटा कलेक्शन की भी और यूनिवर्सिटी की 10 से 20 होंगी। ठीक, अच्छा, कई बार क्या होता है कि नॉर्मली ये प्रैक्टिस अब चल रही है कि पेड वर्क करवाते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। मोस्टली आप स्टैट्स में माहिर नहीं होते, वैसे भी रिसर्च टीम वर्क है। आपने देखा होगा फॉरेन के जितने भी जर्नल या आर्टिकल रिसर्च पेपर छपते हैं, कई बार 6-6, 8-8, 10-10 जनों का नाम होता है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम कंट्रीब्यूट किया होता है। ठीक, तो अगर पेड वर्क का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह कुछ ऐसा करवाते हो तो वो अकॉर्डिंग टू, जैसे भी आप टाइम और एनर्जी बचाना चाहते हो तो वहां मनी लगेगी। अगर मनी नहीं बचाना चाहते, टाइम और एनर्जी, मेंटल एनर्जी आपकी लगेगी। तो इस कैलकुलेशन को देख के आप देख सकते हो कि पीएचडी स्टेप लेना है तो रियली। इसके अलावा लर्निंग कितनी होती है, जॉब के लिए बेनिफिट कितने होते हैं, वो यूजीसी की लाइन गाइडलाइन डिफरेंट है, बाद में अगर आप पूछते हो तो बाद में बताता रहूंगा। यहाँ तक कोई क्वारी करनी हो तो आप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। थैंक यू।